दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज़ में। मैं हूं आपका दोस्त नवीन शर्मा। हम बात कर रहे हैं मौसम विभाग के लेटेस्ट अपडेट की। दोस्तों मौसम विभाग ने लेटेस्ट अपडेट जारी कर दिया है, तो आइए जानते हैं आज के मौसम विभाग के सभी प्रमुख अपडेटों पर कि कहां कैसा रहेगा मौसम, कहां होने वाली है आंधी बारिश की संभावना है और कहां है मौसम में गर्मी। आइए जानते हैं इस लेटेस्ट अपडेट को विस्तार से। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे अपडेट रहें आप देश की सभी कैटेगरी के अपडेट एवं अलर्ट खबरों से। सारे दोस्तों आप यदि अपने क्षेत्र का मौसम जानना चाहते हैं तो आप अपने क्षेत्र का नाम और साथ में आप अपने राज्य का यानी कि किस प्रदेश से हैं आप उसको डालकर आप हमें कमेंट के माध्यम से अपने क्षेत्र का मौसम जान सकते हैं। साथ ही वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी लोग मौसम विभाग के लेटेस्ट अपडेट को जान सके और सावधान सतर्क रह सके। चलते हैं अपडेट की ओर, जान लेते हैं क्या है मौसम विभाग का लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों पहला अपडेट निकल कर आ रहा है मौसम विभाग का आज का, पश्चिमी विक्षोभ के असर से बुधवार को प्रदेश में कई जगह आंधी चली व छींटे गिरे, इसके प्रभाव से आज भी कई क्षेत्रों में आंधी व बारिश की संभावनाएं। दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ के असर से बुधवार को प्रदेश में कई जगह आंधी चली व छींटे गिरे। जोधपुर में आसमान में 7 घंटे तक धूल का गुब्बारा छाया रहा। सीकर, बाड़मेर और जैसलमेर में भी धूल भरी हवाएं चलती रहीं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों तक आंधी व बरसात का मौसम बने रहने का अनुमान है। नहीं दोस्तों अगले 24 घंटे यानी कि 16 और 17 मई को भी आंधी और बरसात का अनुमान जताया गया है इन क्षेत्रों में, जयपुर क्षेत्र में। जोधपुर में अधिकतम तापमान 39.7, जैसलमेर में 38.5 तथा बाड़मेर में 39.3 डिग्री मापा गया है। वहीं कोटा में अधिकतम तापमान 41.6 और बूंदी जिले में 43 तथा बारा जिले में 41 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर रहा है। दोस्तों बार बार बदल रहा है मौसम। बाड़मेर थार में बुधवार सुबह से मौसम के मिजाज जो है बदलते नजर आ रहे हैं। आसमान में छाई धूल दोपहर तक बरसती रही, इसके बाद मौसम साफ हो गया। वहीं शाम को तूफान के साथ अचानक बरसात शुरू हो गई। कुछ ही देर में अगले जो है ओले गिरने लगे और शाम करीब 7:30 बजे शुरू हुआ बरसात का दौर जारी रहा। बाड़मेर के आसपास के क्षेत्रों में बरसात के साथ ओले भी गिरे। तूफान के कारण कई स्थानों पर बिजली के खंभे भी गिर चुके हैं और जनजीवन व्यस्त हो चुका है। दोस्तों मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटों में भी इन क्षेत्रों में जो है आंधी बारिश हो सकती है, तो यहाँ के लोग सावधान रहे सतर्क रहे। धूल भरी आंधी चलेगी सीकर। दोस्तों मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को भी प्रदेश के 10 जिलों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल आंधी चलेगी। इस दौरान बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, नागौर, पाली व श्रीगंगानगर जिले में 1-2 स्थानों पर आंधी के साथ बिजली गिरने और बूंदाबांदी होने की संभावनाएं भी मौसम विभाग द्वारा जो है आने वाले 24 घंटों में जताई जा रही है। बरसात और ओलों से मौसम हुआ सुहावना। अगला अपडेट है दोस्तों, अलवर जिले में बुधवार को कई जगह बरसात हुई और ओले भी गिरे, इसमें मौसम सुहावना हो गया। इस कारण बुधवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री पर आ गया। दोपहर के समय धूप में तेजी थी जबकि सुबह 10 बजे तक तापमान में कमी थी। दोपहर बाद धूप में तेजी के बावजूद तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं शाम 5 बजे के बाद मौसम ने करवट बदली और आंधी चलना शुरू हो चुकी है। शाम 6 बजे बूंदाबांदी हुई और शहर में कई स्थानों पर छोटे छोटे ओले भी गिरे, इससे तापमान शाम को गिरकर 29 डिग्री पर आ गया। इस दौरान मौसम जो है सुहावना बना रहा है। यानी कि दोस्तों आज भी राजस्थान के इन क्षेत्रों में इन लोगों को रहना है सतर्क और सावधान। चलते हैं अगले अपडेट की ओर जो कि छत्तीसगढ़ से निकल कर आ रहा है। मई के 15 दिन पड़ेंगे भारी, 48 घंटे बाद फिर लू की चेतावनी। दोस्तों छत्तीसगढ़ वेदर को लेकर बड़ा अपडेट निकल कर आया है। बता दें कि मई में दूसरी बार होगा जब मौसम विभाग ने लू जैसी चेतावनी जारी की है प्री मानसूनी दस्तक देने के बावजूद। दोस्तों अप्रैल की गर्मी से ज़्यादा परेशान नहीं किया, मई में सूरज उगल रहा है, तापमान ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 48 घंटों में अधिकतम तापमान एक बार फिर से 45 डिग्री पर पहुंच जाएगा। अप्रैल के अंत में रायपुर, बिलासपुर का अधिकतम तापमान 44 डिग्री पहुंचा था और मई की शुरुआत में 45 डिग्री था। दुर्ग, राजनंदगांव ने भी आंकड़ा छू लिया था, मगर अब यह आंकड़ा पार हो जाएगा और वर्तमान में राजस्थान से सीधे गर्म हवाएं आ रही है। फिलहाल दूर दूर तक कोई सिस्टम नहीं है जो इन हवाओं की रफ्तार और तीव्रता को कम कर सके, इसलिए अगले 48 घंटे तक जो है लू की चेतावनी जारी हो चुकी है। बता दें कि मई में दूसरी बार होगा जब मौसम विभाग ने लू की चेतावनी जारी की है। ये दोस्तों राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में जो है गर्मी है तो कुछ क्षेत्रों में आंधी तूफान का अलर्ट जारी है। यानी कि कुल मिलकर राजस्थान जो है प्रभावित है पूरी तरह पश्चिमी विक्षोभ से।
चलते हैं अगले अपडेट की ओर, आगे की ओर। दोस्तों, रायपुर में बुधवार की सुबह से तापमान ने रफ्तार पकड़ना शुरू की और 43.4 डिग्री पर पहुंच गया। यह 24 घंटों में 1.2 डिग्री अधिक रहा। दोपहर में बदली छाई रही और शाम को बादलों ने डोरा जमाया। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर छत्तीसगढ़ में हल्की बूंदाबांदी अगले 24 घंटों में हो सकती है। हवा की रफ्तार भी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रहेगी। तो छत्तीसगढ़ के वासियों के लिए बुरी खबर है, वहाँ फिर से जो है तापमान बढ़ने वाला है। चलते हैं अगले अपडेट की ओर। मानसून 18-19 तक पहुँचेगा अंडमान निकोबार और मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ जगदलपुर में मानसून आने के समय 10 जून है, रायपुर में 13 जून और लगभग इसी समय पर मानसून पहुँचेगा। वर्तमान में मानसून द्रोणिका बनी हुई है और 18-19 मई को मानसून अंडमान में दस्तक दे जाएगा। यानी कि दोस्तों, जो मानसून के लिए सिस्टम होता है वह धीरे धीरे बनना शुरू हो चुका है। अब जल्द ही यह सक्रिय होकर वहाँ से प्रस्थान करेगा और हम आपको सूचित करेंगे पल पल की खबर की मानसून की। तो आप तुरंत सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबा लें। दोस्तों, फिलहाल कोई सिस्टम नहीं है जिसके चलते तापमान में गिरावट आ सके इन क्षेत्रों में, खास करके छत्तीसगढ़ में। हाँ, कुछ नमी समुद्र से आ रही है जिसके चलते उत्तर छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी की संभावनाएं हैं। वैसे मौसम जो है साफ रहेगा और HP चंद्रा वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक लालपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने यह जानकारी दी है। चलते हैं अगले अपडेट की ओर, जो कि निकल कर रहा है मध्य प्रदेश के लिए। दोस्तों, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर में तेज धूप से चुभन का एहसास, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित राज्य के अन्य हिस्सों में गुरुवार की सुबह से गर्मी का जो है मिजाज दिखा रहा। तेज धूप चुभन का एहसास करा रही है। आगामी 24 घंटों में कई स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। मौसम में बदलाव का दौर जारी है और गुरुवार को मौसम साफ होने से तेज धूप निकली हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान तापमान में बढ़ोतरी भी दर्ज की गई। वहीं खरगोन व नौगांव में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वोत्तर भारत में उत्तर दक्षिण एक तरफ द्रोणिका रेखा फैली है, जिसका असर राज्य के मौसम पर पड़ने की संभावना है। इसके चलते ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया आदि स्थानों पर चमक गरज के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। यानी कि मध्य प्रदेश के लिए अच्छी खबर भी है कि इन क्षेत्रों में बारिश होगी, जिससे मध्य प्रदेश का तापमान कम हो सकता है। गुरुवार को भोपाल का न्यूनतम तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस, वहीं इंदौर का 24, ग्वालियर का 24 और जबलपुर का न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं बुधवार को भोपाल का अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री सेल्सियस, इंदौर का 39.8 डिग्री सेल्सियस व ग्वालियर का 40.2 डिग्री सेल्सियस व जबलपुर का अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस रहा। वेस्ट यूपी में तेज और आओर झमाझम बारिश ने दी गर्मी से राहत। अगला अपडेट निकल कर आया है दोस्तों वेस्ट यूपी से। जानिए अगले 2 दिन तक कैसा रहेगा मौसम। गुरुवार सुबह तेज आंधी के साथ हुई झमाझम बारिश। दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से अगले 2 दिन बारिश की संभावनाएं हैं वेस्ट यूपी में और बारिश के कारण दिन के तापमान में 3 से 5 डिग्री गिरावट दर्ज की गई। जिले के अधिकतम क्षेत्रों में गुरुवार की सुबह मौसम के तेवर एकाएक बदल गए। तेज हवा के झोंके ने आसमान में डेरा डाला और बैठे बादल बरस पड़े और लोगों के दिल खुश हो गए। इसके साथ ही मेरठ के लोगों को उमस भरी गर्मी से भी निजात मिल गई और मौसम भी सुहावना हो गया। दोस्तों, बारिश के कारण दिन के तापमान में 3 से 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। यानी कि दोस्तों, अच्छी खबर है उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, कि यहाँ पर बारिश हुई और यहाँ मौसम सुहावना हुआ। तो दोस्तों, यह प्री मानसून दस्तकें हैं, जहाँ बारिश होती है वहाँ गर्मी कम हो जाती है। दोस्तों, चलते हैं आगे अपडेट की ओर। गुरुवार सुबह करीब 7 बजे बादलों की गड़गड़ाहट के साथ पहले तो तेज आंधी आई, इसके बाद झमाझम बारिश हुई और लगभग 2 घंटों तक रुक रुक कर बारिश होती रही। इसी तरह से बीती बुधवार को सुबह हुआ था, बुधवार को भी सुबह तेज हवा के साथ बारिश आई थी, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही मौसम साफ हो गया था और दोपहर होते ही धूप निकल आई थी। इसके बाद जो है परेशानी थोड़ी कम हुई थी गर्मी से और मौसम विभाग के अनुसार अभी 2 दिन तक इसी तरह का मौसम रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार ऐसा पश्चिमी विक्षोभ असर के कारण हो रहा है और बारिश के कारण छोटे बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, अगले अपडेट की ओर चलते हैं। अगले कुछ घंटों में इन जगहों पर आ सकता है आंधी तूफान, इस साल मानसून भी लेट। दोस्तों, आज मौसम में परिवर्तन हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 से 3 घंटों के बीच पंजाब, हरियाणा और दिल्ली NCR के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तापमान इलाकों में तेज आंधी के साथ भारी बारिश होने की आशंकाएं जताई गई है। इससे पहले बुधवार को दिल्ली NCR में बारिश हुई थी, जिससे तापमान में गिरावट आई थी, लेकिन इस कारण दिल्ली के कई इलाकों में जाम लग गया था। अगले 2-3 घंटों में दिल्ली NCR में हो सकती है बारिश। विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत के मौसम में आई तब्दीली एक ताकतवर पश्चिमी विक्षोभ की वजह से है।
जिसके चलते अरब सागर से आ रही नमी हवाएं बादल बन गई हैं, जिसकी वजह से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से भारत के कई इलाकों में बारिश हो रही है। और आपको बता दें कि यह प्री मानसूनी बारिश है जो कि वेस्ट यूपी में फिलहाल हो रही है और दिल्ली एनसीआर में 2-3 घंटों में होने की संभावनाएं प्रबल बनी हुई है। मानसून में देरी, इस बार मानसून थोड़ा लेट है, यह केरल में 5 दिन देरी के साथ 6 जून को पहुंचेगा। मौसम विभाग ने बुधवार को मानसून के केरल आगमन का पूर्वानुमान जारी किया है। केरल में मानसून का सामान्यतः 1 जून को पहुंचता है, लेकिन इससे 7 दिनों तक का अंतर रहता है। हालांकि एक दिन पहले ही निजी जो मौसम एजेंसी स्काई मेट ने 4 जून को मानसून के केरल पहुंचने की संभावनाएं व्यक्त की थी, लेकिन मौसम विभाग ने उसकी रिपोर्ट को खारिज करते हुए बुधवार को कहा है कि 6 जून को मानसून केरल पहुंचेगा। विभाग ने यह भी कहा है कि 18-19 मई के बीच मानसून के अंडमान सागर में सक्रिय होने की संभावना है, इसके बाद मानसून केरल की तरफ बढ़ेगा। बारिश के कारण प्रदूषण हुआ कम। दोस्तों, मौसम विभाग की माने तो 1 से 2 दिनों में उत्तर भारत में मौसम का बदला हुआ रूप नजर आएगा। यहाँ हवा के साथ साथ कुछ जगहों पर बादल गरजेंगे और बारिश भी होगी। यही नहीं, कुछ जगहों पर बादल भी छाए रहेंगे। आपको बता दें कि इन जिलों में दिल्ली एनसीआर में धूल बढ़ने से वायु की गुणवत्ता में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग का मानना है कि अभी धूल भरी आंधी चलने के साथ साथ बूंदाबांदी के आसार है, ऐसे में वायु की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। यहाँ भी बिगड़ा है मौसम। उत्तराखंड में अगले 3 दिन ज़्यादातर जगह बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है और मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया है कि गढ़वाल क्षेत्र में 16 मई तक मौसम खराब रह सकता है, तो वहीं कर्नाटक में कई इलाकों में कल से बारिश हो रही है। तो दोस्तों, यह था लेटेस्ट अपडेट मौसम विभाग के। हमने जाना सभी अपडेटों को और जाना कहाँ होगी बारिश, कहाँ होगी भीषण आंधी और कहाँ रहना है लोगों को सतर्क। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सब लोग जान सकें मौसम विभाग के लेटेस्ट अपडेट को और सावधान सतर्क रह सके। इस वीडियो में इतना ही, फिर आपके लिए उपस्थित होंगे जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते इंडिया।